हे दोस्तों, आज मैं ऐसे फोन की वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, ये जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है तो हर लिहाज में आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा। दोस्तों अगर इसको बजट किंग बोला जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये कौन सा फोन है? तो ये है टेक्नो का स्पार्क 10 प्रो। दोस्तों मैं इस फोन की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं, तो अगर आप इसको रियल में देखते हो जितना इस दोस्तों सुंदर है जिस प्राइस रेंज में ये फोन मिल रहा है, इससे बढ़िया लुक वाला फोन अभी तक भी इस प्राइस रेंज में नहीं निकाला है। दोस्तों आपको बेस्ट लुक वाला फोन मिलता है, अच्छे इसमें स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, ये हर लिहाज से बोलूंगा ये काफी बढ़िया है अगर आप कोई कम बजट में अच्छा फोन देख रहे हो। दोस्तों मैं इस फोन की इतनी क्यों तारीफ कर रहा हूं, तो अगर ये आप मेरी वीडियो पूरी देखते हो तो आप भी इस बात से पूरी तरीके से एग्री करोगे। दोस्तों ये वीडियो जो है इस फोन की फुल रिव्यू वीडियो रहने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी मैं इस फोन के साथ में मिलने वाला सामान दिखा देता हूं आपको क्या क्या इसमें मिलता है। तो दोस्तों ये पहले आपको इसका केस मिलेगा, केस की क्वालिटी दोस्तों काफी मेरे को बढ़िया लगी है। दूसरा इसमें 18 वॉट का दोस्तों इसके साथ में ये चार्जर मिलता है, टाइप सी टू टाइप ए इसका केबल मिलता है, और दोस्तों सिम इजेक्टर इसमें टूल मिलती है, और ये थोड़े इसके साथ में इसके वारंटी कार्ड मिलते हैं, इसके यूजर मैनुअल मिलती है। तो ये है दोस्तों इसके साथ में आने वाला सामान। अब बात करते हैं फोन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन की। तो पहले आप इसका लुक देखिए दोस्तों, इसमें ये वीगन लेदर दिया गया है जो दोस्तों इसको छूने में फोन को काफी बढ़िया बना देता है, देखने में भी ये फोन काफी प्रीमियम लगता है। पीछे की तरफ दोस्तों इसमें जो कैमरा सेटअप दिया गया है बिल्कुल आईफोन वाला इसमें कैमरा सेटअप दिया गया है। दोस्तों ये फोन अगर आप चलाते हो, फोन पे कॉल अटेंड करते हो, तो दोस्तों सामने वाले को ये बहुत ही प्रीमियम बहुत ही महंगा फोन लगने वाला है। अगर इसके लुक की बात करें दोस्तों, लुक में बोलूंगा, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेरे को इस प्राइस में इससे अच्छा लुक में फोन अभी तक भी मैंने नहीं देखा है। तो अगर आप कोई अच्छी लुक वाला फोन देख रहे हो तो दोस्तों बिल्कुल आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, आप एक बार जाके इसको दुकान पे सामने से देखिए मैं क्यों इतनी इसकी लुक में तारीफ कर रहा हूं। दोस्तों ये अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें बॉक्सी डिजाइन मिलता है, चारों तरफ से इसमें फ्लैट मिलता है, पर ये बोलूंगा दोस्तों इसमें जो प्लास्टिक मिल रही है पीछे की तरफ, तो आपको इसमें वीगन लेदर मिल रहा है, पर जो चारों तरफ आपको इसमें प्लास्टिक मिल रही है ये भी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। दोस्तों क्वालिटी वाइज भी इस कंपनी ने इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सामने की तरफ आपको इसमें पंच होल वाला कैमरा मिलता है, जो अगेन बोलूंगा दोस्तों इस प्राइस में ज्यादातर फोनों में नहीं मिलता है। वाटर ड्रॉप नॉच वाला मिलता है, पर इसमें पंच होल वाला दिया है, तो उससे क्या होता है स्क्रीन जो दोस्तों सामने से अगर आप देखते हो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। उसके साथ में दोस्तों अगर इस फोन के वेट की बात करें तो वेट इसका 208 ग्राम का है, पर बिल्कुल भी ये फोन इतना भारी नहीं लगता है। तो इस फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कंपनी ने काफी बढ़िया करा है। दूसरा दोस्तों ये फोन थोड़ा बड़ा है, इसके अगर साइज की बात करें 168 mm की इसकी लेंथ रहने वाली है, पर दोस्तों बिल्कुल भी ये इतना बड़ा नहीं लगता है। ये अगेन मैं बोलूंगा दोस्तों जो इसका फोन का डिजाइन दिया गया है, फोन भारी होने के बाद में भी भारी नहीं लग रहा है, और फोन बड़ा होने के बाद में भी ये फोन बड़ा नहीं लग रहा है। तो ये बोलूंगा दोस्तों कंपनी ने इसमें इस चीज में काफी बढ़िया काम करा है। और दोस्तों अगर इस फोन की मोटाई की बात करें तो वो 8.4 mm की मिलती है। अब बात करें दोस्तों इस फोन के पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो ऊपर की तरफ आपको इसमें कुछ नहीं मिलता है। इधर साइड की बात करें तो दोस्तों इसमें सिम ट्रे आपको मिलेगी। अगर नीचे की तरफ बात करें तो आपको इसमें 3.5 mm का जैक मिलेगा, एक इसमें माइक मिलेगा, सिंगल माइक ही इसमें मिलता है, साथ में इसमें टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, और उसके बगल में इसमें स्पीकर मिलेगा। स्पीकर की भी लाउडनेस मेरे को ठीक ठाक लगी दोस्तों, काफी लाउड है। और अगर इधर की तरफ बात करें दोस्तों तो इसमें आपको वॉल्यूम के बटन मिलेंगे, उसके नीचे इसमें पावर का बटन मिलेगा, यही इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। दोस्तों इस फोन को आप दो तरीके से अनलॉक कर सकते हो, एक तो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि बोलूंगा दोस्तों इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया लगा है मेरे को, आप इस पे हाथ रखते हैं दोस्तों आराम से खुलने वाला है फोन। और दोस्तों दूसरा आपको इसमें फेस अनलॉक भी मिलता है, फेस अनलॉक भी बोलूंगा दोस्तों इतना तो फास्ट नहीं है जितना आप इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, पर फिर भी दोस्तों काफी अच्छे से काम करता है फेस अनलॉक भी। तो दोस्तों ये था इस फोन का बिल्ट इन डिजाइन, पोर्ट्स एंड बटन्स, जो अगेन बोलूंगा दोस्तों मेरे को काफी बढ़िया लगा ये फोन इस प्राइस में। दोस्तों इस फोन ने मेरा बड़ा दिल जीता है, काफी बढ़िया डिजाइन के साथ में फोन आता है। तो दोस्तों अब मैं इस फोन को ऑन कर लेता हूं, फिर बात करते हैं फोन की। तो दोस्तों मैंने इस फोन को ऑन कर लिया, बात करते हैं पहले इसकी स्क्रीन की। तो दोस्तों इसमें मिलती है 6.8 inch की IPS LCD डिस्प्ले, पर दोस्तों अगर आप ये सामने से डिस्प्ले देखते हो बहुत ही अच्छे लुक के साथ में आ रही है। दोस्तों काफी कम आपको इसमें बेजल मिलने वाले हैं, पतले नीचे की तरफ भी दोस्तों इसमें बेजल अगर इस प्राइस में देखोगे तो थोड़ा मोटा मिलता है, पर इसमें काफी पतला आपको इसमें नीचे की तरफ भी बेजल मिलने वाला है। खाली इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले ही मिल रही है, पर इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, जिससे दोस्तों आप इसमें किसी भी टाइप का कंटेंट देखते हो तो काफी बढ़िया। दोस्तों अगर इसके स्क्रीन के कलर की बात करें तो दोस्तों बहुत ही अच्छे बहुत ही निखर के कलर आ रहे हैं। IPS डिस्प्ले है ये मैं मानूंगा, इसमें AMOLED डिस्प्ले देते तो ज्यादा बेटर रहती, पर
दोस्तों आईपीएस डिस्प्ले होने के बाद में भी कलर इस डिस्प्ले के मेरे को काफी बढ़िया लगे हैं। दोस्तों इसमें आप अगर यूट्यूब पे कंटेंट देखते हो तो फुल एचडी तक ये फोन सपोर्ट करता है। वाइडवर N1 भी इसमें दोस्तों मिलेगा। तो नेटफ्लिक्स पे अगर इसमें कंटेंट देखते हो तो बहुत ऊपर तक तो नहीं दे पाओगे, पर ये बोलूंगा दोस्तों काफी अच्छे इसमें कलर, अगर आप मूवी देखते हो, कोई सॉन्ग सुनते हो, कोई सीरियल देखते हो तो बहुत ही अच्छा दोस्तों ये आपके लिए फोन रहने वाला है। और इसमें 90Hz जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो उसका रिस्पांस भी दोस्तों मेरे को काफी बढ़िया लगा है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 ही मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का हेलियो G88 प्रोसेसर मिलता है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है। अगर इसके एंटीटू स्कोर की बात करें तो 200,000 से ऊपर के इसमें एंटीटू स्कोर आ रहे हैं। और दोस्तों अगर इस प्रोसेसर की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, मीडियम ग्राफिक टू हाई ग्राफिक में आपको इसमें गेमिंग खेलने का ऑप्शन मिलता है। ये बोलूंगा दोस्तों हाई ग्राफिक में अगर आप खेलते हो, बहुत देर तक खेलते हो, तो ये हल्का फोन हीट होने लग जाता है। पर हाँ दोस्तों अगर इसके मीडियम ग्राफिक में गेम खेलते हो तो काफी देर तक भी आप खेल सकते हो बिना किसी इशू के। दोस्तों आराम से आप इसमें काफी देर तक भी गेमिंग कर सकते हो मीडियम ग्राफिक में। अब बात करें दोस्तों इस फोन के UI की, तो इसमें हाई UI मिलता है जो कि इस टाइम चल रहा है 12.6 पे। अब बात करें दोस्तों इस फोन के हाईलाइट की, तो वो है इसका कैमरा, चाहे आगे की बात करें चाहे पीछे की बात करें। दोस्तों पहले मैं फ्रंट वाले कैमरे की बात करता हूं, तो इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि दोस्तों 2K वीडियो शूट करके दे सकता है। दोस्तों इस प्राइस में मैं फिर बोलूंगा इतनी ज्यादा मेगापिक्सल में फ्रंट वाला कैमरा मैंने अभी तक नहीं देखा है, और दोस्तों जो 2K वीडियो भी शूट कर सकता है आगे वाले कैमरे में। तो अगेन मैं बोलूंगा दोस्तों काफी बेहतर है अगर आप सामने वाले सेल्फी कैमरे की बात करें। अगर पीछे वाले कैमरे की बात करें तो इसमें वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है, वो भी 2K वीडियो सपोर्ट करता है, वो भी 30fps पे। और दोस्तों इसमें काफी सारे आपको AI के फंक्शन मिलते हैं, और इसमें फिल्टर मिलता है, सुपर नाइट मोड मिलता है। तो दोस्तों रात में भी अगर आप फोटो लेते हो सुपर नाइट मोड से तो थोड़ी और आपको इसमें बेटर फोटो है आने वाली है। पर दोस्तों इसकी फोटो क्वालिटी बोलूंगा मेरे को इस प्राइस में काफी बढ़िया लगी है, खासकर अगर इसके सेल्फी कैमरे की बात करें। दोस्तों कैमरे के मामले में ये बोलूंगा एक दो ही हैं इस प्राइस रेंज में फोन जो इसको टक्कर देते हैं या फिर इससे आगे निकल जाते हैं। बाकी दोस्तों कैमरे के मामले में बोलूंगा ये टॉप 5 में तो इसका कैमरा आता है, चाहे बैक वाले की बात करें चाहे फ्रंट वाले की बात करें। अब बात करें दोस्तों इस फोन के कनेक्टिविटी की, तो आपको इसमें हर चीज मिलने वाली है इस प्राइस में अगर बोला जाए। दोस्तों इसमें ब्लूटूथ 5.3 मिलने वाला है, इसके साथ में दोस्तों इसमें वाईफाई 5 मिलने वाला है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसमें NFC मिलेगा आपको, इसमें रेडियो मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों इसकी बैटरी की और इसके चार्जर की, तो दोस्तों इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है और 18W जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसके साथ में चार्जर मिलता है। ये फोन 18W तक की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। तो दोस्तों बैटरी बैकअप जो है इसका मेरे को ठीक लगा है। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी यूजर नहीं हो तो आपका दिन भर आराम से ये फोन चलने वाला है। और दोस्तों अगर इसके चार्जर की बात करें तो वो भी दोस्तों ठीक ठाक है अगर इस प्राइस के हिसाब से बोले। जो दोस्तों मेरे को इस चार्जर से टाइम लगा है वो 2 से 2.5 घंटे लगा है इस फोन को फुल चार्ज करने में। अब बात करें दोस्तों इस फोन के प्राइसिंग की और दोस्तों इसके में रैम और स्टोरेज की, तो दोस्तों अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो वो स्टार्ट हो रही है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। दोस्तों इसमें 8GB रैम मिल रही है प्लस आपको 8GB वर्चुअली रैम मिल रही है, तो टोटल इसमें 16GB की आपको रैम मिल रही है और 128GB की इसमें स्टोरेज मिल रही है। तो दोस्तों ये स्टार्ट हो रहा है 11,999 रुपए से, जो कि अमेजोन के मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप किसी ऑफर में लेते हो या अभी जो सेल चलने वाली उसमें लेते हो तो शायद आपको ये और भी फोन कम में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस फोन के बारे में ये बोलूंगा मैं हर लिहाज से आपके लिए ये फोन रिकमेंड करूंगा, चाहे आप इसके लुक की बात करें, आपको कोई अच्छा प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए लुक वाइज तो दोस्तों ये फोन आपके लिए है, अच्छा कैमरे वाला फोन चाहिए तब भी मैं बोलूंगा आपके लिए फोन है। बस दोस्तों इसमें थोड़ा आपको बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलने वाला है, बाकी अगर प्रोसेसर सब कुछ बोलूंगा तो दोस्तों कहीं भी मेरे को इस फोन ने निराश नहीं करा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला फोन लेना है तो मैं इस फोन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस फोन को ले सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।